नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर सौरभ रावल है मैं इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली और जेपी हॉस्पिटल नोएडा में डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ आज हम स्कोलियोसिस या कुबड़ापन के विषय में आपसे बात करेंगे स्कोलियोसिस को आम भाषा में कुबड़ापन कहते हैं और इसका अर्थ ये होता है कि इसमें स्पाइन एक तरफ को ऐसी टेढ़ी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे को कुबड़ा भी कहते हैं तो इसके लक्षण ये होते हैं कि बच्चे का एक कंधा ऊपर के तरफ उठ जाता है एक तरफ का शोल्डर ब्लेड प्रोमिनेंट हो जाता है और चेस्ट की ब्रेस्ट की वेस्ट की और हिप्स की एसिमेट्री हो जाती है जिसके वजह से बच्चा बड़ा अजीब सा दिखता है और एक कुबड़ा कहलाता है स्कोलियोसिस so, का कारण ये होता है कि 11 से 15 साल की उम्र के बीच में जब बच्चों की हाइट एकदम तेजी से बढ़ती है तो उस समय पे दोनों तरफ की ग्रोथ एसिमेट्रिकल होने के वजह से ये कुबड़ापन डेवलप हो जाता है इस कुबड़ेपन को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए स्कोलियोसिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिसमें कि एक बच्चे को अपने आगे खड़ा करके यदि आगे झुका के पीछे से उसकी कमर को ऑब्जर्व किया जाए तो इस कुबड़ेपन को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है नॉर्मली इस बीमारी का डायग्नोसिस होल स्पाइन एक्सरे की मदद से किया जाता है जिसमें कि ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइन को एक ही एक्सरे में देख के कॉब एंगल का कैलकुलेशन किया जाता है ये कॉब एंगल यदि 20 डिग्री से कम होता है तो फिर स्कोलियोसिस के कोई खास ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती बस बच्चे को एक्सरसाइजेस और ऊंचाई से लटकने के लिए हम लोग एडवाइस देते हैं यदि ये कॉब एंगल 30 से 35 डिग्री के करीब है तो फिर हम बच्चे को ब्रेस का इस्तेमाल करने को बोलते हैं जिसमें ज्यादातर मिलवॉकी ब्रेस या बॉस्टन ब्रेस का इस्तेमाल करने को बोलते हैं और उसके अलावा एक्सरसाइजेज और जैसा मैंने बताया ऊपर लटकने की मदद से और फिजियोथेरेपी से इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है यदि कॉब एंगल 45 से 50 डिग्री से ऊपर है तो फिर ज्यादातर केसेस में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है दूसरी चीज़ ये देखनी जरूरी है कि बच्चे की उम्र कितनी है और लंबाई कितनी बढ़नी बची हुई है यानी कि यदि 9 साल के बच्चे में स्कोलियोसिस काब एंगल 30 डिग्री है तो वो चिंता का विषय है क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ेगी उस हिसाब से कुबड़ापन भी समय के साथ बढ़ता चला जाएगा और शायद आने वाले समय में बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी दूसरी ओर यदि किसी 16 साल के बच्चे की उम्र में कॉब एंगल जो है वो 35 डिग्री है तो उसके लिए इतना घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये मोस्ट लाइकली स्कोलियोसिस समय के साथ आगे बढ़ेगा नहीं पहले के समय में स्कोलियोसिस के ऑपरेशन को बहुत ही कठिन माना जाता था और बहुत सारे बच्चों को ये बोल दिया जाता था कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था लेकिन आजकल आधुनिक सुविधाओं के वजह से पेडिकल्स स्क्रू इंस्ट्रूमेंटेशन के वजह से आधुनिक इम्प्लांट्स के वजह से और न्यूरो मॉनिटरिंग की अवेलेबिलिटी के वजह से ये सर्जरी को बहुत ही सेफ माना गया है और 98% एट परसेंट केसेज़ में हम एक अच्छा रिजल्ट अपने पेशेंट को दे पाते हैं न्यूरो मॉनिटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस दौरान जब सर्जरी की जाती है तो हमारा एक न्यूरो मॉनिटरिंग एक्सपर्ट बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करंट पास करके ये चेक करता रहता है कि कहीं स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज ना हो रहा हो जिसकी वजह से बच्चों को बच्चे के ऊपर पैरालिसिस का कोई खतरा ना हो तो इससे हम इस रिस्क को भी एलिमिनेट कर देते हैं और इस सर्जरी को बहुत ही सेफ्टी से किया जा सकता है अंत में मैं यही कहूँगा कि स्कोलियोसिस एक कॉमन बीमारी है जिसको कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अर्ली स्टेज पे इसको बढ़ने से रोका जा सकता है यदि ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े भी तो भी आधुनिक उपलब्धियों के वजह से इस ऑपरेशन को बहुत ही सेफ्टी से आजकल हम लोग कर सकते हैं यदि आपको और भी कोई सवाल हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप या फोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं धन्यवाद